से निपटने के लिए रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड हेल्प डेस्क को किया गया स्थापित। बाहर से आने वाले यात्रियों का किया जा रहा है कोविड जांच। लोगों को मास्क लगाने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। पूरे देश और दुनिया में खुशियों और उल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। मसीही समाज के लोगों ने चर्च में की प्रार्थना, एक दूसरे को केक खिलाकर कहा मेरी क्रिसमस, कहा सभी लोगों की गलतियों को अपने अंदर समाहित कर प्रभु यीशु ने समाज को दिया एकता का संदेश। सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व MLC विनोद पांडे ने कहा पोखरण परमाणु परीक्षण कर देश को शक्तिशाली बनाने में अटल जी का रहा है बहुत बड़ा योगदान। सेंटा का नहीं संतों का देश है भारत। बच्चों को कार्टून सेंटा के रूप में बनाने का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा अनादिकाल से संत परंपरा का वाहक रहा है भारत। बच्चों के परिवार वालों से की अपील, अपने बाल बच्चों को भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शहीद भगत सिंह आदि बनाए न कि सेंटा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने कुष्ठ आश्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। कुष्ठ रोगियों में फल व मिष्ठान वितरण कर मनाया स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में प्रदेश सीनियर महिला पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता का राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल की अध्यक्षता में पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ समापन। विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर किया सम्मानित।